हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिवाली है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू माय फ्रेंड्स, आई मीन फ्रेंड्स। तो देखिए, आज है दिवाली, तो हम दिवाली के लिए बहुत सारा सामान लाए हैं, डेकोरेशन के लिए पटाखे और मतलब दिए सब कुछ लाए हैं, यानी दिवाली एकदम परफेक्ट मनाने के लिए। तो फर्स्ट टाइम हम इतने अच्छे से दिवाली मना रहे हैं, मतलब दिवाली तो हमने कई बार मनाई है बट काफ़ी मतलब। तो आज हम लोग सब रेडी होंगे दिवाली के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये बढ़िया से ब्लॉग भी अच्छे से शूट कर लूँ। तो ये हमने बढ़िया से गाने लगा दिए हैं टीवी में, और सुमई यहाँ पर जो है रील वगैरह शूट कर रही है अपनी, बढ़िया सी ड्रेस पहन के, ये गाउन पहन के ब्लैक वाली। तो बस इसे बहुत ज़्यादा शौक है रील्स वगैरह बनाने का, और इसे ड्रेस वगैरह देखिए एकदम ड्रेसअप हो चुकी है ये। तो इसे देख के भी मेरा मन कर रहा है कि मैं भी बढ़िया सी ड्रेस पहन लूँ, वरना तो मैं ड्रेस नहीं पहनने वाली थी, खाली पटाखे फोड़ने का ही क्रेज़ था। बट इसके बाद मैंने सोचा कि मैं भी ड्रेस पहन लेती हूँ, तो चलिए मैं भी तैयार हो जाती हूँ। तो देखिए, मैंने भी अपना सिंपल सा ये ड्रेस पहन लिया, काफ़ी अच्छी लग रही है, सिंपल है क्योंकि मुझे पटाखे फोड़ने हैं। और इसके बाद देखिए मैं हो गई हूँ रेडी, और यहाँ पे निदा भी रेडी हो गई है। तो निदा ने, मैंने और सुमैया तीनों ही रेडी हो गए हैं। देखिए सुमैया बहुत खुश हो रही है, सच में बहुत ही खुशी हो रही है हम लोगों को दिवाली, क्योंकि बहुत सारे पटाखे हमने ऑलरेडी ला के रखे हुए हैं। तो अब सबसे पहले हम दिए वगैरह जला लेते हैं। तो देखिए एकदम मैं बढ़िया से रेडी हो गई हूँ, मैंने सोचा थोड़ा सा अपना भी दिखा दूँ, क्योंकि बस मैं सबको ही दिखाई जा रही हूँ किसकी ड्रेस कैसी है, तो मैं अपनी फुल ड्रेस ज़रूर दिखाऊँगी। तो भाई यहाँ पर गाने चल रहे हैं और बढ़िया आवाज़ में, और सुमैया भी डांस कर रही थी। तो भाई हमने सोचा डांस वांस छोड़ो, ये तो डेली का काम है। फिर मैंने कहा मम्मी से कि तुम मोबाइल से मेरी वीडियो शूट करो, मेरी ड्रेस दिखाओ कि मैंने कैसी ड्रेस पहन रखी है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी ड्रेस है, बहुत कंफर्टेबल है और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन दिवाली की फुल वाइब आ रही है इसमें। तो बस मैं सिंपली रेडी हो गई हूँ, क्योंकि भाई बिना ड्रेस के तो मज़ा आने वाला था नहीं, तो मैंने इसलिए ड्रेस भी पहन ली अपनी पसंद की। तो चलिए अब हम दिए जला लेते हैं, क्योंकि दिए का प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दिए के बिना दिवाली अधूरी सी लगेगी। मैं लाई थी दो तरीके के दिए, एक तो ये वाले दिए हो गए, और एक दिए हम ये वाले लेकर आए थे। हमारे घर के सामने एक आंटी रहती हैं, उन्होंने ही हमें ये वाले दिए दिए थे। देखिए ये एकदम नए स्टैंडर्ड टाइप के दिए, एकदम बढ़िया वाले, ये देखिए एक से एक डिज़ाइनर दिए हैं। तो मुझे इन्हें देख के तो मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि मुझे दिए वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो बस अब हमने दिए भी रेडी कर लिए हैं। निदा कह रही थी कि मेरे फ़ोटो ही क्लिक कर दो, तो मैंने इसके फ़ोटो भी क्लिक कर दिया। अब हम जा रहे हैं छत पे, छत पे जाकर ही हम दियों को जलाएंगे। तो देखो ना हमारे पास कितने अच्छे दिए हैं। तो दिवाली थी तो कुछ मीठा होना भी, तो देखिए मैंने दिवाली के लिए स्पेशल बनाया था स्वीट राइस यानी जर्दा। सुमैया ने टेस्ट किया, कह रही है बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत यम्मी लग रहा है। इसके बाद ये थे हमारे पास पटाखे, जिसमें फुलझड़ियाँ थी, छोटी बड़ी फुलझड़ी, छोटे बड़े अनार और चक्री, क्योंकि चक्री भी उन्होंने बचपन का क्रश रही है, चक्री तो हमारे बचपन में ज़रूरी है। हम लोग चक्री और ये फुलझड़ी, तो बस यही दो चार पटाखे हमें दिए जाते थे, चक्री, फुलझड़ी और अनार। इसके अलावा भी मेरे भाई बहुत सारे पटाखे लेकर आए थे। देखिए सारे पटाखे भाई ने हमें गिफ्ट किए हैं कि तुम लोग बढ़िया से दिवाली मनाओ। तो चलिए अब हम जा रहे हैं छत पर, अब सारे पटाखे हम वन बाई वन करके फोड़ेंगे, और आपको वो भी सब भी ब्लॉग में हम दिखाएंगे। तो चलिए फुल मौज लेते हैं आज। तो सबसे बड़ी खासियत ये कि हमारा बिल्लू भी पटाखों से बिल्कुल नहीं डरता है। सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे इस फुलझड़ी की, क्योंकि बहुत बड़ी फुलझड़ी है, छोटी छोटी फुलझड़ी तो खूब जला ली थी, और इसके बाद भी छोटी फुलझड़ी भी हमारे पास में है, सब तरीके की फुलझड़ी, पटाखे, अनार वनार सारी चीज़ें हैं। तो बस अब हम जा रहे हैं, तो हम छत पर आ गए हैं जहाँ पर सुमैया दिए जला रही है। हम इससे भी ऊपर वाली छत पर जाएंगे अभी पटाखे फोड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर सुमैया दिए जला लिए हैं, क्योंकि दिए के बिना तो अधूरी सी लगती है दिवाली, क्योंकि दिए दिवाली यू नो सेम। हम छत पे आ गए, थोड़े से हमने यहाँ पे फ़ोटो शूट किए, जो कि इतने अच्छी डेकोरेशन थी, तो बड़ा अच्छा सा नज़ारा था, और हर जगह पटाखे पटाखे फूट रहे थे। तो इसके बाद भाई मैंने भी खूब सारे फ़ोटो शूट करवाए, और फिर वक्त आ गया हमारे पटाखे फोड़ने का। तो चलिए अब हम लोग पटाखे फोड़ लेते हैं, और रात में अंधेरे में बस दो चार ही फ़ोटो ढंग से खींचे, बाकी तो यहाँ पर मैं अपनी पसंदीदा फुलझड़ी जला रही हूँ।
सच में बहुत हंसी आ रही थी और बहुत ही सुकून टाइप का फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए इतनी प्यारी सी फुलझड़ी थी ये, तो मैंने सोचा क्यों ना कि बस अपने आप ही जलाती रहूँ, मम्मी को भी दे दूँ। मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है पटाखे वटाखे, लेकिन ये है कि जो तुम्हें पसंद है तुम आराम से जलाओ पटाखे वगैरह, बट दिवाली की वाइब को एंजॉय करने में मम्मी ने फुल फुल सपोर्ट किया। बहुत बढ़िया से हम लोगों ने बहुत अच्छी दिवाली मना रहे हैं। अब ये फुलझड़ी तो बहुत फोड़ ली, इसके बाद मैंने सोचा कुछ अब नया सा पटाखा हो जाए। देखिए ये इस तरीके की भी फुलझड़ी थी, दो तीन तरीके की थी, तो ये और कलरफुल टाइप की थी, बहुत ही अच्छी थी। देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है, कलरफुल एकदम, तो सच में बहुत ही मज़ा आ रहा था। इसके बाद अब मैं अनार जलाऊंगी, क्योंकि अनार मुझे बहुत पसंद है बचपन से ही। चक्री और अनार और फुलझड़ी, ये तीन ही जो पटाखे थे जो मुझे दिए जाते थे बचपन में, अनार, फुलझड़ी और चक्री। इसके अलावा आज ये मौका मिला है कि इतने सारे डिफरेंट टाइप के पटाखे हमारे पास में हैं। चलिए मैं अनार जलाती हूँ, और देखिए मैं यहाँ पे और भी बहुत सारे पटाखे लाई हूँ, तो चलिए चक्री और बाकी सारे पटाखे भी फोड़ कर। तो देखिए ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, ये तो मैंने पहली बार ही देखा है, क्योंकि इसमें कलर ही कलर था बहुत अच्छी थी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर थे इसमें। तो मैंने सोचा भाई दिए को भी मैं लगा देंगी दीवार पे वाली, और साइड में यहाँ पे दियो को लगाऊंगी, डेकोरेट कर देंगी। तो देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पे दियो को सजा रही हूँ, देखिए मैंने चारों तरफ दिए लगा दिए, इनके पटाखे का भी ले लिया मैंने सेव, और फिर फिजा भी यहाँ पर हमारे साथ फुलझड़ी जला दी। मैंने कहा फुलझड़ी जलाने का मौका भी सबको मिलना चाहिए। और इसके बाद अब मैं चक्री जला रही हूँ, चक्री में क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये मेरे बचपन का क्रश रही है। चक्री भी काफ़ी अच्छी थी, बड़ी थोड़ी सस्ती वाली थी, तो ये दो चार बार में ही जो है बस इतनी सस्ती थी। इसके बाद अब मैं अनार जला रही हूँ, देखिए अनार, ये तो मैंने अनार जला के खूब मज़े लिए। बस मेरे दिमाग में तो अनार ही अनार था, क्योंकि मुझे अनार बन जो है बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। अनार वगैरह तो हो गया, अब मैं बड़ा ख़तरनाक वाले पटाखे फोड़ने वाली हूँ। देखिए जैसे ये वाले थे, तो ये मैंने पहली बार जलाए हैं, जो कि मुझे बड़े अच्छे से लग रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से। बड़े ही ख़तरनाक पटाखे थे, जिनसे मुझे बहुत डर भी लग रहा था, बट सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि जितने पटाखे मैंने फोड़े थे सब मैंने खुद ही जलाए, बाकी किसी और ने। तो देखिए मैंने यहाँ पर इतने सारे पटाखे फोड़े, सच में फुल मौज की हमने दिवाली की, ये देखिए मज़ा आ गया एकदम। ये देखिए एक से एक यहाँ पर पटाखे फोड़े हमने, और यहाँ पर पिज़्ज़ा, और ये वाली जो फुलझड़ी थी इसमें तो स्टार स्टार टाइप के निकल रहे थे, ये देखिए तक पटाखे ही पटाखे हैं, देखो स्टार स्टार टाइप की चिंगारी टाइप। और मैं दूसरे पड़ोसियों की दिवाली को भी दिखा दिया, तो देखिए बहुत अच्छे अच्छे पटाखे फूट रहे हैं, बिल्कुल जैसे कि शादी वगैरह में पटाखे फूटते हैं। इस बार की दिवाली सच में बहुत स्पेशल बनी, और मुझे जो लग रहा था कि सबकी स्पेशल बनी दिवाली, तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी दिवाली कैसी बनी। देखिए इतना बढ़िया लग रहा था छत पे, सच में ऐसा लग रहा था छत से तो जाओ ही मत, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट थे घर, तो काफ़ी यू नो बहुत ही अच्छा सा लगा दिवाली पे। ये देखिए एक से एक पटाखे थे, एकदम बढ़िया से हमने मनाई दिवाली। ये देखिए मैंने दूर दूर तक का शूट किया, ये देखिए मैंने दूर दूर तक का शूट किया, तो चलिए सारे पटाखे वटाखे फोड़ के हम नीचे आ गए हैं, और बहुत मज़ा आया। सो मैं अगेन कहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, और तो बहुत अच्छी हमारी दिवाली मनी और मुझे बहुत अच्छा लगा।
सच में। अब मैं नीचे आ गई तो मुझे और कुछ स्पेशल आपको दिखाने वाली हूँ। तो जब मैं नीचे आई तो हमें पता चला कि हमारे बिल्लू उन्हीं के अलावा भी एक बिल्ली और बिल्ला और आया है हमारे घर पर, जिसके लिए यहाँ पर और भी ये लोग सामान भी लाए, क्योंकि मेरा जो भाई है उसका दोस्त है तो उनके घर भी बहुत ही अच्छी बिल्ली बिल्ले हैं। तो उनका देखिए खाने का सामान रखा है। तो ये तो है वो बिल्ला, देखिए इतना प्यारा बिल्ला है, और ये मेरे बेड पर ही बैठा है, अब बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा शाई टाइप का है, एकदम बहुत ही शाई टाइप का है। देखिए बहुत ही प्यारा बिल्ला है। इसके बाद मैं बिल्ली भी दिखाऊंगी। और हमें तो इस बात का डर था कि हमारे बिल्लू और इस बिल्ली बिल्ले में लड़ाई ना हो जाए कहीं आपस में, पता नहीं ये लोग हमारे घर पर रुक पाएंगे। ये 3 दिन के लिए हमारे घर पर आए हुए हैं, तो सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, क्योंकि ये बिल्ली बिल्ले बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, एंड पर्शियन है ये भी हमारे बिल्ले की तरह, तो बड़े क्यूट था। ये जो बिल्ला था देखने में तो बड़ा भयानक सा था, लाइक लोमड़ी टाइप का, बट ये जो है बड़ा सीधा। और ये है बिल्ली, वो एकदम प्यारी सी बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्ली है। हमारा बिल्ले की नज़र तो इस पे से हट ही नहीं रही है, बस क्या बताऊँ मैं, बट क्या बताया जाए, ये बिल्ली हमारे बिल्ले की नहीं है, क्योंकि ये बिल्ली का जो पति है वो ये वाला है जो मुझे देख रहा है बहुत गौर से। क्या बकवास कर रही हो तुम इस टाइप से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब।